आरोग्य सेतु ऐप में निजता के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कल एक एथिकल हैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि किस प्रकार से इसमें निजता के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है और राहुल गांधी जी सही थे। उसके बाद अगली बार उन्होंने ट्वीट कर ये बताया कि भारत सरकार की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसे सर्ट या सीईआरटी कहते हैं, उन्होंने उन तथ्यों के बारे में उनसे जानकारी ली। यह अपने आप में सबूत है कि आरोग्य सेतु ऐप निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। चार छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर एक, आरोग्य सेतु ऐप हर व्यक्ति का 24/7 सर्विलेंस करेगी, यानी आप किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं और किस व्यक्ति से कितनी देर मुलाकात करते हैं, ये ऐप रिकॉर्ड करेगी। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे एक जासूसी कैमरा आपके सर पर लगा दिया गया हो। दूसरा, इस निजता इस ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसका निर्माण निजी क्षेत्र में किया गया, सरकारी क्षेत्र में नहीं हुआ। गो इबीबो और मेक माई ट्रिप के फाउंडर्स द्वारा किया गया। हम सब जानते हैं कि गो इबीबो और मेक माई ट्रिप की 40% मलकियत चाइनीज है। तो निज और इसका जो बैकएंड ऑपरेशन है वो भी प्राइवेट हाथों में है। तो ऐसे में व्यक्ति की निजता को किस प्रकार से उल्लंघन नहीं होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा? तीसरा, इस ऐप में बैकएंड पर ह्यूमन इंटरफेस है, यानी अगर आप असुविधाजनक हैं तो कोई शरारतपूर्ण तरीके से आपको रेड मार्क कर सकता है। अगर कोई पत्रकार या कोई और व्यक्ति असुविधाजनक हो या सवाल सरकार से पूछता हो और अगर उसे रेड मार्क कर दिया गया, तो उसके बाद ना आप बस या ट्रेन में चढ़ सकते, ना आप सफर कर सकते, ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते। एक तरह से आप बंधक बन जाएंगे, क्वारंटीन हो जाएंगे। चौथा, ये क्लाउड सर्वर में जहां डेटा इकट्ठा होगा, ये कहाँ है भारत सरकार नहीं बता रही। ये चीन में है, कोरिया में है, जापान में है या भारत में है? और पांचवा और महत्वपूर्ण, हमारी फौज ने खुद इस प्रकार की ऐप पाकिस्तान की ISI द्वारा बनाकर हमारे फौजियों का डेटा चुराने के बारे हमारी फौज के अधिकारियों को आगाह किया है। इन बातों का कोई जवाब आज तक भारत सरकार ने नहीं दिया।